कुछ महीनों पहले पनवेल पालिका चुनाव में जीत क्या हासिल हुई? कांग्रेसी नेताओं का हवाई जहाज सातवें आसमान पर उड़ने लगा था, मगर शुक्रवार को हुई जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव की मतगणना ने कांग्रेस के ख्याली हवाई जहाज को युद्ध धरातल पर पटक दिया कि कांग्रेसी नेताओं के होश उड़ गए। नगरपालिका चुनाव में दल बदलू राजनीति रंग लाई और कांग्रेस सत्ता में आई, और सत्ता में आते ही रामचंद्र ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया, मगर पनवेल की ग्रामीण जनता ने ठाकुर पिता पुत्रों को हकीकत की जिंदगी का एहसास कराया। शुक्रवार को चुनावी नतीजे घोषित हुए जिसमें ग्रामीण जनता ने गठबंधन के झोले में मतों का दान इस कदर भर भर कर डाल दिया कि कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी। निकल भी जा, निकल भी जा, पतली गली से निकल भी जा, निकल भी जा, निकल भी जा, पतली गली से निकल भी जा। ऐसा ही है क्या, गलत है क्या, सोच के अपना दिल न दुखा, निकल भी जा, निकल भी जा, पतली गली से निकल भी जा। जिला परिषद के 10 सीटों में से 8 सीटों पर गठबंधन ने निर्विवाद वर्चस्व स्थापित करते हुए कांग्रेस को धोबी पछाड़ किया। वहीं पंचायत समिति की 20 सीटों में से 15 सीटों पर गठबंधन ने अपना अधिकार जमाया और यह साबित कर दिया कि पनवेल कल भी गठबंधन का गढ़ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पनवेल स्थित वीके हाईस्कूल में चुनावी मतगणना को आरंभ हुआ, जहां नतीजे सुनने के लिए गठबंधन के हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। हर तरफ गठबंधन का जय जयकार होता रहा और विजयी उम्मीदवारों को बधाइयां देने का दौर चलता रहा। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकुर पिता पुत्रों की जमकर आलोचना की। पंचायत समिति की सत्ता शेतकरी कामगार पक्ष आणि युतीच्या हातामध्ये जी गेली 45 वर्ष आहे ती पुन्हा एकदा 5 वर्ष आणि आभार मानत असताना या पनवेल तालुक्यातल्या आम जनतेला जाहीरपणे आश्वासन देऊ इच्छितो की या देशातल्या सगळ्या योजना, या राज्यातल्या सगळ्या योजना पुन्हा एकदा गरिबापर्यंत पोहोचवल्याशिवाय आम्ही ठेवणार नाही। पण शेकापक्ष औषधाला ठेवणार नाही असं बोलणार ना तुम्ही सर्वांनी जी चपराई केलेली आहे। शेकापक्ष संपला म्हणून जे शेकापक्ष सोडून गेले त्यांना आम्ही दाखवून दिले का तुम्ही काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर आम्ही शेकापक्ष जिवंत ठेवला। पण एकदा नव्हे, एकदा नव्हे, पण दोन दिवस दोन आम्ही पक्ष कार्याला असं मानलं। या लाल दिव्याच्या गाडीच्या आशेनं शेकापक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये गेले त्या काँग्रेसवाल्याने लाल दिव्याची गाडी सोडत पण लाल दिव्याच्या गाडीवर फडका मारला। पण सच्चा कार्यकर्ता, निष्ठावंत कार्यकर्ता
विद्यार्थ्यांच्या जीवावर ही युती या ठिकाणी आम्ही विजय झालेली आहे. या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा आभार मानतो. वहीं शिवसेना जिला प्रमुख बबनदादा पाटिल, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल और बीजेपी के जिला अध्यक्ष बाला साहब पाटिल आदि ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. यानी आमचा दुकान बंद करायचा प्रयत्न केला त्या ठाकूर कंपनीचा आम्ही दुकान आज बंद करतो. जिल्हा परिषद दूर आहे, पंचायत समिती मध्ये पण तुमचा पाऊल टाकून देणार नाही. नेतृत्वाखाली जी आम्ही आघाडी केली आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आजच्या निवडणुकीमध्ये 62 पैकी 42 जागा जिंकल्या. आपण या जिल्हा परिषदेमध्ये 36 जागा शिवसेना. आता तत्कालीन साहेब सांगा पालकमंत्र्यांचा राजीनामा द्याल का? प्रशांत ठाकूर सांगा हा निकाल बघून राजीनामा द्याल का? पाटील या पक्षाचा एक वेळा अंगावर गुलाल उडला नाही. निवडणुकीच्या मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर या ठिकाणी पनवेल मधून शेतकरी कामगार पक्ष आणि महायुतीला हद्दपार करायला काही मंडळी निघालेली होती. मी तुम्हा साऱ्या बहादूर कार्यकर्त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो की आपण दूध का दूध आणि पाणी का पाणी हद्दपार करणारे हद्दपार झालेले आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा जिंकेपर्यंत अशी कुल मिला के इस चुनाव में गठबंधन ने इस बात को साबित कर दिया कि ग्रामीण जनता के मन में आज भी गठबंधन का स्थान कायम है. कैमरामैन विजय दत्ता, लक्ष्मीकांत किरण और रामदास के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल और विक्रम बाबर की रिपोर्ट.